Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, बॉलीवुड में सफल करियर बनाना कोई आसान काम नहीं है। खासतौर पर उनके लिए ये काम और मुश्किल होता है जो फिल्मी खानदान से ताल्लुक नहीं रखते। आज के कई सफल बॉलीवुड सितारों को अपने शुरुआती दिनों में बहुत संघर्ष करना पड़ा था। कुछ तो बैकग्राउंड डांसर के रूप में भी काम कर चुके हैं, मगर अपनी काबिलियत और मेहनत के दम पर आज वे बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे बॉलीवुड सितारों से जो कभी बैकग्राउंड डांसर हुआ करते थे। बॉलीवुड की फेमस अभिनेत्री दीपिका पादुकोण सुपरस्टार बनने से पहले फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर का काम किया करती थी, लेकिन आज अपनी मेहनत और टैलेंट के बल पर दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में से एक है। कभी बैकग्राउंड डांसर का काम करने वाली दीपिका पादुकोण की कमाई आज करोड़ों में है। इतना ही नहीं, दीपिका पादुकोण आज बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में से एक है। बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर और डायरेक्टर रेमो डिसूजा ने भी बहुत संघर्ष के बाद सफलता पाई है। रेमो पहले बैकग्राउंड डांसर थे, यहीं से डांस के प्रति उनका लगाव बढ़ा। शाहरुख खान की परदेश फिल्म के गाने मेरी महबूबा में भी रेमो डिसूजा बैकग्राउंड डांसर के रूप में दिखे थे। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी भले ही अब फिल्मों में नजर नहीं आती हो, लेकिन इनका रुतबा आज भी वही है जो कभी 70 और 80 के दशक में हुआ करता था। हेमा मालिनी अपने फिल्मी करियर से ज्यादा अपने और धर्मेंद्र के रिश्तों को लेकर ज्यादा सुर्खियों में रही। एक वक्त था जब इन पर दूसरी बीवी और घर तोड़वाने का आरोप भी लगा था, लेकिन हेमा और धर्मेंद्र के प्यार को किसी की बुरी नजर नहीं लगी और शादी के इतने साल बाद भी दोनों साथ हैं। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि हिंदी फिल्मों में कदम रखने से पहले हेमा मालिनी दो तमिल फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम कर चुकी थी, और जब उन्हें एक बड़ी तमिल फिल्म में लीड रोल मिला तो निर्देशक सीवी श्रीधर ने उन्हें ये बोलकर फिल्म से निकाल दिया था कि वो रोल के लिए सही नहीं है, वो जरूरत से ज्यादा पतली है। फिर क्या था, हेमा मालिनी के नसीब में तो बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल होना लिखा था। हेमा ने साल 1975 से लेकर 1985 तक अपने करियर की सबसे ज्यादा हिट फिल्में दी। इन्हें फिल्म सीता और गीता के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड से भी नवाजा गया था। डायरेक्टर फराह खान बॉलीवुड की कई फिल्मों में अपने कोरियोग्राफिक काम के लिए जानी जाती है। उन्होंने 80 से अधिक हिंदी फिल्मों में 100 से अधिक गीतों के लिए नृत्य शैली में काम किया है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कुछ फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के रूप में भी काम किया है। फराह खान ने गोविंदा के साथ 1986 में रिलीज हुई फिल्म सदा सुहागन के गाने हम हैं नौजवान में बैकग्राउंड डांसर का काम किया था।